बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 3 शब्द परिचय 3 शुरू करेंगे और तीसरे अध्याय में हम लोग नपुंसक लिंग के शब्दों के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से नपुंसक लिंग के शब्दों में कौन कौन से शब्द हैं और उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है और उसमें क्या चित्र बना है और क्या वाक्य है, ये हम लोग तीसरे पाठ में देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने दूसरे पाठ का प्रश्न उत्तर लिख रहे थे, उसको समझे थे और 2 प्रश्न उसका शेष था जिसके बारे में आज हम लोग उसे पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे। तो तीसरा पाठ शुरू करने से पहले हम लोग दूसरे अध्याय का जो 2 प्रश्न शेष है उसे पूरा कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उसमें पाठ 2 का प्रश्न 7 निकालेंगे। प्रश्न 7 पेज नंबर 15 पर है। तो यहाँ पे हम लोग पाठ निकालेंगे, द्वितीय पाठ का हम लोग शब्द परिचय 2 जिसका नाम था, इसका 7वां प्रश्न करेंगे। तो इसमें 7वें में हम लोगों को क्या करना है ये प्रश्न पढ़ के समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है प्रश्न में। मन जो शातः कर्तृपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजुषा में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर उसे पूरा करना है। तो इसमें हमें ये ध्यान में रखना होगा कि किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता उचित होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द जो दिया है मंजुषा में, उसमें दिया हुआ है लेखिका। लेखिका क्या काम करती है? लिखने का काम करती है। बालकः, बालकः मतलब लड़का, एक वचन है ये, तो हम इसके साथ एक वचन की क्रिया को ही खोजेंगे। और सिंहाः, सिंहाः बहुवचन है, बहुत से शेर। और त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका, चक्र का अर्थ होता है पहिया जो गोल होता है और त्रि का अर्थ होता है तीन, तीन की संख्या को त्रि कहते हैं यहाँ पे। तो त्रिचक्रिका का अर्थ हो गया तीन पहिए वाली, यानी कि रिक्शा। 2 पहिए की साइकिल होती है और 3 पहिए का रिक्शा होता है। पुष्पमालाह, पुष्पमालाह ये भी बहुवचन है। तो अब हम लोग वचन का ध्यान रखते हुए क्रिया के साथ सही कर्ता खोजेंगे। तो सबसे पहले है संति, संति मतलब हैं और ये बहुवचन है। तो इसके साथ बहुवचन की का कर्ता इसमें पुष्पमालाह है और सिंहाह है। तो यहाँ पर सिंहाह और यहाँ जो क्रियाएं लिखी हुई हैं उसमें है संति मतलब हैं और ख में पश्यति देखता है और ग में लिखति लिखता है या लिखती है। तो इसको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि लेखिका लिखति, लेखिका लिखती है। गर्जन्ति, गरजता है, दहाड़ता है। तो कौन दहाड़ता है? शेर दहाड़ता है। और गर्जन्ति शब्द बहुवचन है, यहाँ पर सिंहाह शब्द भी बहुवचन है, सिंह मतलब शेर होता है। और इसी तरह से चलती, तो चलती में रिक्शा चलता है, साइकिल चलती है। तो त्रिचक्रिका चलती ये यहाँ पर उचित शब्द दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क से शुरू करेंगे। संति मतलब हैं, तो बहुवचन में 2 ही शब्द था, सिंहाह और पुष्पमाला। तो सिंहाह गर्जन्ति में उचित है और पुष्पमालाः संति में। तो सबसे पहले क में हम लोग शब्द चुनेंगे, पुष्पमालाः। तो यहाँ पर जो सही शब्द होगा वो है पुष्पमालाः। और आगे संति शब्द वाक्य से देख के लिखना है, तो ये वाक्य आपका पूरा हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, पश्यति। तो पश्यति यानी देखता है, एक वचन है और एक वचन का यहाँ पर बालका है और लेखिका है और त्रिचक्रिका है।
तो देखने का कार्य या तो बालक कर सकता है या लेखिका कर सकती है। लेकिन इसमें एक जगह लिखति शब्द भी आया है, तो लेखिका लिखने का कार्य करती है। तो हम लोग बालकः पश्यति करेंगे, लड़का देखता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बालकः यानी कि लड़का, बालकः और उसके आगे पश्यति लिखा है तो हम लोग पश्यति लिख देंगे, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरना है। और फिर ग में लिखति की जगह लेखिका, लिखति आगे रहेगा, लेखिका लिखति हो जाएगा, तो ये खाली जगह में भरा जाएगा लिखति। और इसी तरह से हम लोग करेंगे घ, सिंहाह गर्जन्ति, शेर गरजता है, सिंहाह तो बहुवचन का प्रयोग है और गर्जन्ति यहाँ पे पहले से लिखा है, तो ये वाक्य पूरा हो गया इस शब्द से। अब हम लोग अंग करेंगे चलति, चलति के लिए हम लोग चलती है तो त्रिचक्रिका, यहाँ पे लिखना है त्रिचक्रिका चलत, ये एक वचन है। द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं, त्रिचक्रिका रिक्शा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, मंजुषातः कर्तृपदानुसारम, मंजुषा से कर्तृपदानुसारम अर्थात कर्ता का के पद के अनुसार क्रियापदम चित्वा, क्रिया का शब्द चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पे भी क्रिया वाले शब्द दिए हैं, प्रश्न सात में कर्ता दिया हुआ था और यहाँ पर क्रिया दिया हुआ है, तो इसमें है गायतः, ये द्विवचन है, दो लोग गाते हैं, नृत्यति, ती उच्चारण आया, नृत्यति नाचती है, लिखन्ति लिखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, और विहरतः फुदकते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विहरतः का अर्थ यहाँ पे घूमने से है, इधर से उधर घूमना टहलना। तो सबसे पहले यहाँ पे सौम्या का, सौम्या नाम है, स्त्रीलिंग का है ये नाम, तो सौम्या के साथ हम लोग यहाँ पे सौम्या एक वचन है, तो एक वचन का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक है गायता एक है नृत्यति, तो इसमें से हम लोग स्त्रीलिंग में नृत्यति शब्द का प्रयोग करेंगे, सौम्या नृत्यति। तो जिस तरह से हम लोग ये वाक्य पूरा किए थे वैसे ही सही शब्द हम यहाँ लिखेंगे और उससे वाक्य पूरा करना है। तो अब हम लोग पाठ आठ प्रश्न आठ करेंगे, और प्रश्न आठ में पहला सही शब्द हम लोग चुनेंगे नृत्यति, तो सही शब्द यहाँ पर आएगा नृत्यति, सौम्या नृत्यति, ये खाली जगह में आ जाएगा। और दूसरा चटके चिड़िया, विहरतः इधर उधर फुदकती है कूदती है, तो ख में खाली जगह में हम लोग लिखेंगे विहरतः, चटके है यानी कि द्विवचन है, दो चिड़िया। और बालिके ये भी द्विवचन है और इसमें भी हम लोग लिखेंगे गायतः, दो लड़कियां गायतः गा रही हैं। और फिर है छात्राः, ये बहुवचन है और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे बहुवचन की क्रिया लिखन्ति, छात्र लिखते हैं, तो यहाँ पर खाली जगह में भरेंगे लिखन्ति, तो लिखन्ति शब्द यहाँ पर आ जाएगा खाली जगह में। और फिर अंग में आएगा कि जनाः पश्यन्ति, पश्यन्ति शब्द भी बहुवचन है, तो लोग देखते हैं, और यहाँ पर छात्र लिखते हैं इसलिए दोनों में ही बहुवचन है, लेकिन छात्र लिखने का कार्य करते हैं और यहाँ पे जनाः लोग देख रहे हैं, तो सही शब्द यही है कि इसके साथ हम लोग पश्यन्ति शब्द लिखेंगे, जनाः पश्यन्ति, और प्रश्न सेवा के पूरा करना है लिखना है। और इस तरह से हम लोगों ने पाठ दो के प्रश्नों को पूरा किया, और इसमें आप लोग देख रहे हैं पूरा खाली जगह में इसको लिख के, और उसके पहले का शब्द आप लोग किताब से देख के लिखेंगे, और ये लास्ट में लिख के इसके आगे पूर्ण विराम
लगाएंगे और वाक्य पूरा लिखेंगे। तो पाठ दो के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है और अब हम लोग बढ़ते हैं तृतीय पाठ शब्द परिचय 3, जिसमें हम लोग नपुंसक लिंग के शब्दों को पढ़ेंगे। तो ये सभी लोग पूरा कर लेंगे इसे देख के और अब हम लोग शुरू करते हैं पाठ 3, तृतीय पाठ और शब्द परिचय यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, पाठ 3 है तो ये 3 हो जाएगा और द्वितीय की जगह पे हम लोग लिखेंगे तृतीय पाठ। तो तृतीय पाठ ये है और सभी लोग अपनी किताब में इसे निकाल लेंगे और सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें कि एक महिला कुदाल लेकर खेत में कुदाल चला रही है खेत को कोड़ने के लिए और इस चित्र के बगल में लिखा है एतत किम। अभी तक हम लोग पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग एषः पढ़े थे, एषः का यह कौन है, और उसके बाद हम लोग दूसरे पाठ में शब्द परिचय 2 में पढ़े थे स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में जिसमें हम लोगों ने प्रयोग किया था एषा का, यह कौन है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे शब्द परिचय 3 में। तो इसमें सबसे पहले शब्द आया है एतत किम, पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसक लिंग में अब हम लोग सीखेंगे एतत। एतत किम, यह क्या है, यह क्या है, किम मतलब क्या, एतत किम, एतत का प्रयोग यह के लिए हुआ है पास की वस्तु के लिए और इसमें तत् का प्रयोग किया जाएगा दूर की वस्तु के लिए। तो एतत किम, यह क्या है, किम का अर्थ है क्या और एतत का अर्थ है यहाँ पर नपुंसक लिंग में यह, यहाँ एतत मतलब यह, ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है पास की वस्तु के लिए। और किम का मतलब होता है क्या, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं किम मतलब क्या। अब इसका उत्तर दूसरे में फिर पूछा जा रहा है कि एतत खनित्रम अस्ति, क्या यह कुदाल है। एतत, एतत का प्रयोग फिर से आया है यह और प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है तो एतत खनित्रम अस्ति, क्या यह कुदाल है। खनित्रम, खनित्रम का मतलब होता है कुदाल, कुदाल या इसे खंती भी कहते हैं, यहाँ पर खंती का भी प्रयोग होता है कुदाल के लिए। तो एतत खनित्रम अस्ति, तो प्रश्नवाचक निशान लगा है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या यह कुदाल है। एतत किम एतत खनित्रम अस्ति, क्या यह कुदाल है। एतत खनित्रम अस्ति, इस तरह से भी पूछा गया यहाँ पर, एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका, तो श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी, यहाँ पर श्रमिका शब्द आया है और इसका अर्थ होता है मजदूरनी, मजदूरनी यानी कि जो काम करती है। तो यहाँ पर एतत खनित्रम अस्ति, यहाँ पे अगर पूर्ण विराम, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है जबकि यहाँ पे अगर पूर्ण विराम होता तो एतत खनित्रम अस्ति, तो एतत किम, यह क्या है का ये उत्तर है, एतत खनित्रम अस्ति। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगने से उच्चारण करने का तरीका बदल जाता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम होता तो हम लोग कहते कि यह कुदाल है। एतत किम, यह क्या है, एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है, और प्रश्नवाचक लगने से यह कुदाल है।
श्रमिका खनित्रम चालयति, चालयति मतलब चलाती है, यहाँ पे चालयति शब्द है, चालयति का अर्थ होता है चलाती है, यानी कि वो कुदाल चलाकर अपना कार्य कर रही है, खेतों में कुदाल से कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एतत किम, यह क्या है, एतत खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है, श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी, श्रमिका मतलब मजदूरनी, चालयति मतलब चलाती है, खनित्रम मतलब कुदाल। तो इस तरह से श्रमिका मजदूरनी खनित्रम चालयति, कुदाल चला रही है। तो ये यहाँ पे खनित्रम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है, और एतत शब्द नपुंसक लिंग के शब्दों के लिए, यह के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब हम लोग दूसरे चित्र को देखेंगे, तत् किम। अभी एतत आया था यह के लिए, अब यहाँ पे तत् का प्रयोग हुआ है वह के लिए, तत् मतलब वह, और वह का प्रयोग हम लोग दूर की वस्तु के लिए करते हैं। तो एतत किम, वह क्या है, यहाँ पे तत् किम आ गया है, पहले एतत किम था, यह क्या है, और अब हम लोग दूसरे चित्र में पढ़ रहे हैं तत् किम, वह क्या है, किम मतलब क्या, और प्रश्नवाचक है तो वह क्या है। तो इसमें दूसरे वाक्य में लिखा है तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् मतलब वह, विश्राम गृह है, तत् यानी कि वह, विश्रामालय है, विश्राम गृह है, जहाँ पर कि बैठकर आराम किया जाता है। तो तत्र विश्राम गृहम अस्ति, यानी कि यह विश्रामालय है, तत् मतलब वह, विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृहम, यहाँ पर यह शब्द आया है विश्राम गृहम, यानी कि विश्रामालय। विश्राम का अर्थ होता है आराम, और आलय मतलब वो जगह जहाँ की आराम करते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पे विश्राम गृहम का अर्थ हो गया विश्रामालय। तो किम अत्र, अब तीसरी लाइन देखेंगे दूसरे चित्र का, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम मतलब क्या, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, जो बाउंड्री की तरह बनाया जाता है, ऊपर से छाया रहती है और नीचे से दीवार बनी होती है। तो क्या यहाँ दीवार है, तो भित्तिकम शब्द यहाँ पर आया है, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, तो भित्तिकम अर्थात दीवार, घेरा जिसको भी कहते हैं, चारों ओर बना रहता है, घेरा भी कहा जाता है भित्तिकम। तो यहाँ पर भित्तिकम का अर्थ हो गया दीवार। तो किम अत्र, अत्र मतलब यहाँ, किम अत्र, अत्र शब्द को ध्यान रखेंगे, अत्र मतलब यहाँ, क्या यहाँ भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अब चौथी लाइन में लिखा है कि अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, न अस्ति मतलब नहीं है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इन वाक्यों में कि पहले तीन वाक्यों में जो है वो कुदार चलाती हुई एक महिला है, और उसके बारे में लिखा है एतत किम, यह क्या है, एतत खनित्रम अस्ति, यहाँ पे पूर्ण विराम होना उचित होता, यह कुदाल है, श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है, और दूसरे चित्र में वह का प्रयोग किया गया है तत्, तत् किम, वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है, विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, भित्तिकम दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है,
आप लोग चित्र देखेंगे यहाँ पे केवल ऊपर छाया किया हुआ है और कोई भी दीवार नहीं बनी है, कोई भी घेरा नहीं बना है, घेरा जिसको बाउंड्री भी कहते हैं। तो कोई भी यहाँ पे दीवार नहीं है, ना अस्थि नहीं है। अब हम लोग तीसरा चित्र देखेंगे, तो तीसरे चित्र में यहाँ पे बना हुआ है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है। अब यहाँ पर काम करते हुए उसे दिखाया गया है, उसके हाथ में अंगूठी है, तो अंगूठी को जो है वो बना रहा है, वो सोनार है, सोने का काम करता है। तो इस तरह से ये दो अंगूठियाँ लिया हुआ है, तो इस पे यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है एते के। अभी तक एतत किम था, यह क्या है, अब उसके हाथ में दो अंगूठियाँ हैं और इसके लिए ये द्विवचन है, तो नपुंसक लिंग के द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो एते के और के का प्रयोग द्विवचन में हुआ है, किम के और बहुवचन में प्रयोग आएगा कानी। तो एते के ये दोनों क्या हैं, तो अब इसको हम लोग इसके भी शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एते, एते का प्रयोग द्विवचन के लिए किया गया है, ये दोनों, और के का अर्थ है क्या है, एते के ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के अस्तः, तो एते अंगुलीय के अस्तः, अंगुलीय के होता है यानी कि दो अंगूठियाँ। तो यहाँ पर हम लोग शब्द देखेंगे अंगुलीय के, यहाँ पे अंगुलीय के, यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं लगी है, अंगुलीय के का अर्थ होता है अंगूठियाँ, यहाँ पर अंगूठियाँ, दो अंगूठी है, तो दो के लिए अंगुलीय के शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे दो के लिए अंगुलीय के शब्द का प्रयोग किया गया है। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एते अंगुलीय के अस्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं, दो अंगूठियाँ हैं अंगुलीय के, सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अपनी किताब में कि अंगुलीय के में जो अंग का ओ है ये आगे जाकर नीचे की तरफ आ गया है, तो वो वहाँ पर नहीं होगा, वो यहाँ पर लगेगा, तो अंगुलीय के इसका उच्चारण किया जाएगा। एते अंगुलीय के अस्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं, दो अंगूठियाँ हैं, सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार, सुवर्णकार का अर्थ होता है सोनार, सुवर्ण मतलब सोना होता है और जो सोने का कार्य करता है उसे सुवर्णकार अर्थात सोनार कहते हैं हिंदी में, सोनार। और सुवर्णकार यानी कि सोनार, जो सोने का काम करता है, उसके आभूषण बनाता है, ज्वेलरी बनाता है, तो सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सोनार अंगूठियाँ रचयति, रचयति मतलब बनाता है, रचना करना का अर्थ है बनाना, बनाता है, अंगूठियाँ बनाता है। और यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है, अंगूठियाँ लिखा है लेकिन ये द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है और अंगुलीय के यहाँ पे प्रयोग है। तो सुवर्णकार अर्थात सोनार, सुवर्णकार मतलब सोनार, और अंगुलीय के, अंगुलीय के यानी अंगूठियाँ, दो अंगूठियाँ रचयति, रचयति का अर्थ है बनाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस तीसरे चित्र में इन वाक्यों का वर्णन किया गया और जिसमें कि ये दोनों क्या हैं, जो उसके पास अंगूठियाँ हैं उसके लिए कहा गया है, और एते अंगुलीय के अस्तः, और ये दोनों अंगूठियाँ हैं, दो अंगूठियाँ हैं, और सुवर्णकार सुनार अंगूठी बना रहा है। अब हम लोग चौथा चित्र देखेंगे जिसमें कि बस दिखाई दे रही है,
और इसमें भी द्विवचन का प्रयोग है, दो बस है, बस यान जिसको कहा जाता है, बस ते के, वे दोनों क्या है, ते के, यहाँ पे द्विवचन में ते का प्रयोग हुआ है, ते मतलब वे दोनों, और के का मतलब है कौन है, वे दोनों क्या है, यहाँ पे बस है नपुंसक लिंग शब्द है, तो वे दोनों क्या है, ते बस याने अस्तः, ते बस याने, बस याने की जो बस होती है उसको बस यान कहा जाता है, तो यहाँ पे बस जो गाड़ी है उसको बस यान कहा गया है, ते बस याने अस्तः, वे दोनों बस हैं। अब तीसरे वाक्य में लिखा है कि ते बस याने कुत्र गच्छता, ते मतलब वे दोनों बस कुत्र गच्छता, कहाँ जाती हैं, कुत्र यानी कहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ, और गच्छता द्विवचन का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे गच्छता आया है, जाती हैं, बस है तो जाती हैं, वो दोनों बस कहाँ जाती हैं, कुत्र गच्छति, वे दोनों बस कहाँ जाती हैं, तो यहाँ पर ते का अर्थ है वे दोनों, कुत्र का अर्थ है कहाँ, और गच्छता का अर्थ है जाती हैं, कहाँ जाती हैं, कुत्र गच्छता। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर दिया जा रहा है कि ते रेल स्थानकम गच्छता, वे रेल स्थान पर, रेल स्थान का मतलब होता है कि रेलवे स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन के लिए रेल स्थानकम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रेल स्थानकम यानी कि स्टेशन, रेल स्थानकम, स्थान से स्थानकम का अर्थ है स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन आती है, रेल कहते हैं ट्रेन को, तो ते रेल स्थानकम गच्छता, वे स्टेशन गच्छता मतलब जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दो बस के बारे में कहा गया है कि वे दो बस कहाँ जाती हैं, तो ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों रेल स्थानकम स्टेशन जाती हैं। और अब हम लोग आगे का चित्र पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में बने हुए वाक्यों को, पेज नंबर 17 पर, और इसमें चार जो है चित्र बने हुए हैं, हम लोग पढ़कर समझेंगे कि इसमें क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एतानि कानि। अब जैसा कि चित्र से ही समझ में आ रहा है कि इसमें ये चित्र किसका बना है, एतानि कानि, ये सब क्या है, बहुवचन के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तो एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं, कर वस्त्राणि का अर्थ होता है रुमाल, तो इसके लिए हम लोग ये शब्द का प्रयोग करेंगे, कर वस्त्राणि अर्थात रुमाल, कर वस्त्राणि, तो इसको कहते हैं रुमाल, तो कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं, एतानी शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, किम एतानी पुराणानी, किम एतानी, क्या ये सब पुराणानी, पुराणानी का अर्थ है पुराने हैं, पुराना शब्द होता है, क्या ये सब पुराने हैं, किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं, न न मतलब नहीं, एतानी तो नूतनानी, एतानी मतलब ये सब, नूतनानी मतलब नए हैं, नूतनानी शब्द पुराणानी का ये विलोम हो गया, नूतनानी, नूतनानी मतलब नए हैं, ये सब नए हैं। फिर से इसको एक बार देख लेंगे, एतानि कानि, ये सब क्या है, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं, किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं, न एतानि तो नूतनानि,
ये सब तो नए हैं। और अगला चित्र हम लोग देखेंगे तानी कानी, वे सब क्या हैं। यहाँ पे तानी का प्रयोग हुआ है और तानी का अर्थ होता है वे सब। तानी बहुवचन के लिए प्रयोग होता है और यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, तानी का अर्थ है वे सब। और कदली फलानी, कदली फलानी केले को कहते हैं, कदली फलानी केले। और पोषकाणी का अर्थ होता है पोषक, मधुराणी यानी कि मधुराणी यानी मीठे, और पोषकाणी मतलब पोषक, पोषक ताकत देने वाले पोषक, हमें शक्ति देने वाले हैं। तो इस तरह से तानी कानी वे सब क्या हैं, तानी कदली फलानी संति वे सब केले हैं, किं तानी मधुराणी क्या वे सब मीठे हैं, आम, आम का मतलब है हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे मीठे हैं और पोषकाणी पोषक हैं, हमें शक्ति देने वाले हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पाठ 3 में, शब्द परिचय 3 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नपुंसक लिंग के शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ें, आप लोग इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, लिखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग का आज ये समाप्त होता है। धन्यवाद।